नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है अयोध्या से। केरल में गर्भवती हथनी के साथ दर्दनाक घटना के बाद अब रामनगरी अयोध्या में भी इंसानियत शर्मसार हुई है, जहां एक बेजुबान जानवर को पेट की भूख भारी पड़ी है। भूख मिटाने के लिए विस्फोटक पदार्थ खाने से सांड का जबड़ा उड़ गया है। इसके बाद घायल सांड तालाब में खड़े होकर अपनी आखिरी सांसों का इंतजार कर रहा है। हालांकि ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना है थाना महाराजगंज क्षेत्र के ततौली गाँव की, जहाँ विस्फोटक पदार्थ खाने से सांड का आधा जबड़ा उड़ गया। इससे वह बुरी तरह घायल हो गया और अब गांव किनारे तालाब और आसपास अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा है। जानकारी के अनुसार एक सांड घुमा करता था, जिससे गांव की गायों के गर्भधान की क्रिया हो जाती थी। इसकी लिखित सूचना पुलिस को दी गई। प्रोफेसर वीरेंद्र विक्रम ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर मुकदमा दर्ज करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से 14 सुतली के बम बरामद किए गए हैं। पुलिस की लापरवाही का आलम यह है कि सांड घायल होकर तालाब में अपनी अंतिम सांस गिन रहा है और इसका इलाज तक नहीं कराया गया। जिस तरह से केरल में घटना सामने आई थी, उसी तरह से रामनगरी अयोध्या में जानवर के साथ अत्याचार किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए।